हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो स्टैंडर्ड 7 साइंस में आपका एनसीईआरटी सिलेबस चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसमें हमने पार्ट 4 तक डिस्कस किया था। नाउ पार्ट 5 में हम डिस्कस करने वाले हैं लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स। जो भी लीव्स होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, उसमें कैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो जैसे यहाँ पे लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स में देखो, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ग्रीन कलर्ड लीव्स। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास जो भी प्लांट्स होते हैं, उसमें सभी के सभी ग्रीन प्लांट्स नहीं होते हैं, ठीक है, ग्रीन उसमें लीव्स नहीं होती है। किसी किसी में प्लांट्स में आपने देखा होगा, किसी किसी ट्रीज़ में आपने देखा होगा कि जो लीव्स होते हैं वे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। जैसे सम ऑफ द प्लांट्स हाउएवर हैव लीव्स ऑफ द अदर कलर सच एज रेड, वायलेट, ब्राउन, इटीसी। इस तरह से कोई कोई का आपने देखा होगा, किसी प्लांट्स के लीव्स का जो कलर है वो रेड होता है, या वायलेट कलर का हो, या फिर ब्राउन कलर का हो, येलो कलर का हो, इस तरह से अलग अलग कलर के आपको लीव्स दिखाई देते हैं। तो बात आता है इन सब लीव्स में अगर ऐसे हैं, हमने ऐसा पढ़ा था कि जो भी ग्रीन लीव्स है उसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, उसी से ही फोटोसिंथेसिस होता है। बट क्या अगर मान लो इस टाइप के प्लांट्स हैं जिसके लीव्स के कलर डिफरेंट है, क्या उसमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है? क्या वो लोग भी खाना बना सकते हैं, अपना फूड देव अपना प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो देखो यहाँ पे, द लीव्स हैविंग कलर अदर देन ग्रीन अल्सो हैव क्लोरोफिल इन देम। ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो, अगर आप मान लो कोई लीव्स है वो अगर ग्रीन कलर का नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें, मान लो अगर वो ग्रीन कलर का नहीं होगा तो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा। क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, बट इसमें देखो क्या होगा, एक्चुअली द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, वायलेट, ब्राउन और अदर पिगमेंट इन सच लीव्स मास्क द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल। अब देखो, इसमें भी होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट, बट जो दूसरे कलर वाले जो पिगमेंट हैं, जैसे रेड, वायलेट और ब्राउन कलर वाले जो पिगमेंट हैं, ये लार्ज अमाउंट में होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, जिससे हमें वो जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है वो दिखाई नहीं देता है। जो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा उसी का कलर हमें यहाँ पे शो होता है। सो इसके अंदर भी क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, किस लेस अमाउंट में होता है, बट होता जरूर है, जिसकी वजह से ये भी क्या कर सकते हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर दे सकते हैं। सो फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन लीव्स हैविंग कलर अदर देन द ग्रीन, क्योंकि आपको पता है स्मॉल अमाउंट में तो ग्रीन जो भी ये पिगमेंट है वो प्रेजेंट तो होता है। सो इस कलर के प्लांट, मान लो जो लीव्स होते हैं वो वाले प्लांट भी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं। तो देखो, सो स्टूडेंट, अभी तक हमने ये देखा, जो भी मान लो अलग अलग, मान लो ग्रीन प्लांट, ग्रीन लीव्स के अलावा भी जो लीव्स होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसमें भी स्मॉल अमाउंट में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब क्या ऐसे प्लांट्स हैं मान लो जो लीव्स से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, तो क्या वो फोटो पूरे मान लो उस प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है कि नहीं होती, या फिर ऐसा कोई पार्ट है प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकता है? तो यस, है। तो देखते हैं, इन सम प्लांट फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस। देखो, अब सपोज मान लो जिसमें लीव्स क्या हो, कैपेबल ना हो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने में, तो ऐसे सिचुएशन में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो स्टेम होते हैं ग्रीन, या फिर ग्रीन उनकी ब्रांचेस होते हैं। आपने ये जैसे देखा होगा, तो ये इसका क्या है, स्टेम्स है, तो यहाँ से एक स्टेम के, ये इसका क्या होता है, ब्रांचेस, ऐसे अलग अलग ब्रांचेस निकली होती है, तो ये ग्रीन ब्रांचेस या फिर ग्रीन स्टेम्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। द ग्रीन स्टेप एंड ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस कैन डू फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। आपको पता है अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती, तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस के यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे डेजर्ट प्लांट में हम ले डेजर्ट प्लांट की बात करें, तो जैसा हम एग्जाम्पल लेते हैं कैक्टस का, कैक्टस एक ऐसा मान लो प्लांट्स है जिसके जो लीव्स होते हैं छोटे छोटे, टीनी एंड स्पाइन लाइक, एकदम नुकीले जैसे होते हैं लीव्स,
ठीक है, एंड इट रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन, एंड ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में क्या करता है, वाटर को रिड्यूस करता है, जो भी मान लो लॉस हो रहा हो वाटर वो इसको रिड्यूस करता है। अब बात करते हैं इसकी, तो दिस टीनी स्पाइन लाइक लीव्स ऑफ द कैक्टस प्लांट कैन नॉट डू सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस। अब जो ये इसके लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाते, तो ऐसे केस में द स्टेम्स एंड ब्रांचेस ऑफ कैक्टस प्लांट्स आर ग्रीन विच कंटेन क्लोरोफिल। तो जो इसके ब्रांच होते हैं ठीक है, या फिर स्टेम होते हैं कैक्टस प्लांट्स के, वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल, और जिसकी वजह से देखो, सो द ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस ऑफ कैक्टस प्लांट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेक फूड फॉर द प्लांट। इसलिए इनके जो भी मान लो स्टेम्स हैं या ब्रांचेस हैं कैक्टस प्लांट्स के, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में टेक्स प्लेस करते हैं और उस प्लांट के लिए अपना मान लो वो खुद से फूड प्रिपेयर कर सकते हैं या करते हैं। ये आपने देखा, ये यहाँ पे एग्जांपल मैंने कैक्टस प्लांट्स का लिया हुआ है। देखो इसके लीव्स कैसे हैं, एकदम छोटे छोटे हैं, स्पाइन लाइक हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस करते नहीं, तो इनके जो स्टेम्स हैं ये क्या करते हैं, स्टेम्स यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। ऐसे और दूसरे भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो इस तरह का प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस। सो जो सेकंड आपका है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस बाय अल्गीस। फोटोसिंथेसिस समझ लो अलगी में कैसा होता है। अलगी देखो क्या होता है, आपने देखा होगा बी सी पैचेस ऑफ स्लिमी ग्रीन लेयर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड और लेक और इवन इन द स्टेगमेंट पार्ट ऑफ द। आपने देखो नदी के किनारे आप कभी गए हो तो किनारे किनारे या फिर बीच में आपने देखा होगा कि कुछ ग्रीन कलर का ऐसे ऐसे यहाँ पे उस रिवर में ऐसे तैरते रहता है, या फिर आपने कहीं पॉन्ड्स में आप गए हो या फिर आप लेक्स में गए हो, तो वहाँ पे अगर वाटर है पॉन्ड्स और लेक्स में वाटर है अच्छे वहाँ पे, तो वहाँ पे वैसे वाटर में ऐसे क्या करते हैं फ्लोटिंग होते रहते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, स्लिम एकदम पतले पतले होते हैं लेयर जैसा, तो ये जो वहाँ पे तैरते रहते हैं फ्लोटिंग होते रहते हैं उसी को हम बोलते हैं, उस लेयर वाले प्लांट्स को हम बोलते हैं अल्गी। तो दिस ग्रीन लेयर इज़ फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ टिनी ग्रीन प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज अ एल्गी, इसकी वजह से होते हैं, इसलिए हम इसको एल्गीज बोलते हैं। छोटे छोटे माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म की वजह से यहाँ पे वहाँ पे मान लो इनका ये फॉर्म होते हैं। सो अलगी आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। देखो जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर रखा हुआ है, इस तरह का आपको पॉन्ड्स में रिवर्स में आपको दिखेंगे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती, तो देखो यहाँ पे क्या करता है, आपको पता है तो वाटर में तो होते ही हैं, तो ये वाटर एंड न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं जो इनको ज़रूरत पड़ती है। अब ये ग्रीन कलर के हैं मतलब इनमें तो एक प्लांट है ग्रीन कलर का, तो इसमें क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट तो हो गई, तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब आपको पता है चाहिए क्या दूसरा चीज़, क्लोरोफिल तो मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया इनको, ठीक है, डिजोल्व फॉर्म में वाटर यहाँ से, ठीक है। और क्या इनको सनलाइट चाहिए, सनलाइट इनको मिल ही रहा है, आपको पता है अगर कहीं पॉन्ड्स रिवर लेक्स हैं तो उनमें सनलाइट डायरेक्टली मिल जाता है सन से। तो इस तरह से ये जैसे हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखा था प्लांट्स में, उसी तरह से प्रोसेस इसमें भी होता है, क्योंकि ये भी एक तरह का क्या है, प्लांट्स ही है। सो अल्गी कंटेन क्लोरोफिल एंड प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक अ प्लांट। जैसे प्लांट, जैसे यहाँ पे अल्गी भी क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है और प्रोड्यूस करता है फूड, जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस द्वारा जैसे प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते थे, वैसे अल्गी भी यहाँ पे फूड प्रोड्यूस करता है अपना खुद का। देन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो देखो दोनों में डिफरेंस यही बात का है, अल्गी डिफर फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स और अल्गी में इतना डिफरेंस है बिकॉज दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर रूट स्टेम एंड लीव्स। जो अल्गी होते हैं इनका कोई मान लो प्रॉपर कोई स्टेम्स नहीं होता है, ठीक है, रूट्स नहीं होते हैं इनके, कोई मान लो लीव्स आपको नहीं दिखाई देंगे, बट प्लांट्स में आप इजिली ऑब्जर्व कर सकते हो उनके लीव्स जो हैं, रूट्स हैं, ठीक है, स्टेम्स हैं, बट एल्गी में आप ऐसा नहीं ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि वो इतने छोटे होते होंगे कि हमें पता ही नहीं चलता। देन द ग्रीन प्लांट, द ग्रीन कलर ऑफ एल्गी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देम। अब इसका कलर ग्रीन क्यों होता है आपको पता है, क्योंकि इसमें हाईली अमाउंट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट है, जिसकी वजह से इसका कलर होता है ग्रीन। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे,
किसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम मान लो जो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा क्या मान लो वहाँ पे प्रोड्यूस होता है इसके बारे में पढ़े। अभी तक हम फोटोसिंथेसिस जो भी पढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा था, सिंपल कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हो रहा था। नेक्स्ट हम दूसरे भी यहाँ पे पढ़ने वाले न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच।